नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग 1 मार्क्स या फिर कह सकते हैं 1 क्वेश्चन इंटू 3, यानी कि 3 मार्क्स आपके आज हम लोग कवर कर रहे होंगे कैपिटल और करेंसी से। ठीक है ना, देखिए 100+ आपका कैपिटल करेंसी आज आपका मैं कवर करवा दूंगा। इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए कुछ कैपिटल तो ऐसे होते हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ आपके करंट से, यानी कि अगर भारत और उस देश के साथ कुछ समझौता हुए हो, या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस कंट्री में गए होंगे, या फिर उस देश के कंट्री के आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर भारत आए, तो वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे कि आपकी अगर बात हो रही है कैपिटल करेंसी की, यानी कि कैपिटल बोले तो राजधानी। अब राजधानी किसकी, तो बहुत सारे देश, आप सभी को पता, तो सारे देशों की राजधानी पॉसिबल नहीं है याद करना। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज अगर इसको डिवाइड कर ले तो काफ़ी इजी हम लोग इसे याद कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ आज की क्लास, मैं आपको बताऊँ कि देखिए अगर आप लोग ये क्लास अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, झारखंड जी की कला संस्कृति को आप फॉलो करिए। आप अभी हमने 2 क्लास लिए हैं इसके, हमने 4 जनजाति कवर कर ली है। तीसरा वीडियो कल आएगा जिसमें आपका 6 जनजाति कवर हो जाएंगे। साथ के साथ आपके जितने मेले हैं, जितने त्यौहार हैं, जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, किले हैं, चर्च है, इसके अलावे पर्व हो गए, उसके बाद लोक नाट्य हो गए, लोक नाट्य, लोक गीत, वाद्य यंत्र, हो बोल रहा हूँ मैं, भाषाएं हो गए और साहित्य, ये पूरा आर्ट एंड कल्चर आपको इस सीरीज में 16 वीडियो में हमने टारगेट रखा है कि कंप्लीट करने का। यानी कि इस महीने के अंत अंत या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग तक पूरा कला संस्कृति ऐसा कवर होगा, ना तो आप इफ करिएगा ना बट करिएगा, मतलब अगर परंतु वाली चीज़ें नहीं होगी, ये कंटेंट सफिशियंट होंगे। फाइनल रिवीजन और हर पॉइंट को हमने वहाँ डिस्कशन किया। तो ये सेक्शन ऐसा है जहाँ से आप सभी को पता है 7 से 9 क्वेश्चन का वेटेज होगा आपके JSSC में। तो चलिए अब आप इन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, उसी फॉर्मेट में हमने अपने एक्सप्लेनेशन को भी रखा बहुत शानदार वे में, और ये मैं पूरा कंप्लीट PDF में अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में भी। मतलब जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए उनको ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट में मैं कैपिटल करेंसी के क्वेश्चन डालूंगा, मतलब आप समझ जाइए कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, कंटेंट निकाल करके आप सारी चीज़ें कैपिटल करेंसी याद करेंगे। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे होंगे 7ों महादेश, महादेश या महाद्वीप बोल सकते हैं, 6 महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, और हर 6 महाद्वीप में आपके बहुत सारे देश होंगे। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका एक हो गया, इसके बाद ये आपके हो गया दक्षिणी अमेरिका यानी कि ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, सेकेंड नंबर का महादेश हो गया, महाद्वीप हो गया। ये आपका जो दिख रहा है ये हो गया आपका अफ्रीका, यानी ये तीसरा कॉन्टिनेंट यानी कि तीसरा महाद्वीप हो गया। चौथा महाद्वीप की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका चौथा महाद्वीप हो गया, ये हो गया आपका यूरोप, ठीक है। अब इस यूरोप में भी बहुत सारे देश होंगे, इस अफ्रीका में बहुत सारे देश होंगे, इस उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे देश होंगे, और इस दक्षिणी अमेरिका में भी बहुत सारे देश होंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट एक आपका ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे देश होंगे, यानी 5वां नंबर का ये महाद्वीप हो गया। और 6ठा महाद्वीप हो गया ये आपका एशिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो दिख रहा है ये हो गया आपका एशिया, इस एशिया में भी बहुत सारे देश है जिसकी राजधानी आपको याद करनी होगी। अब आप इंडिया को खोज रहे होंगे तो आप देख लीजिए एशिया में हमारा भारत यहाँ पर प्रेजेंट है खूबसूरत सा। तो इस पर अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए आपको कुछ कंट्री का नाम दिख रहा है, जैसे ये हो गया स्पेन हो गया, ये मोरक्को हो गया, ये पुर्तगाल हो गया। तो अब ये जितने मैंने यहाँ दिखाए हैं इन सारे कैपिटल आपको इनके आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको हम लोग जूम इन करते हैं, चलते हैं अब एक एक कॉन्टिनेंट के पास। सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहने का मतलब कि ये वाला कॉन्टिनेंट, देखिए मैप से चीज़ों को चलेंगे एकदम समझ में आते चला जाएगा। ये आपका महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इसमें से 6 से 7 आपके ऐसे देश है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप कैपिटल करेंसी में भी क्या इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपके लिए कैपिटल यानी कि आपको राजधानी याद होनी चाहिए। आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में करेंसी के बहुत कम क्वेश्चन, और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी है जो आपको याद होनी चाहिए, जो रिपीटेड होने के काफ़ी चांसेस होती है। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से हम लोग टोटल 5 देश की क्या करेंगे, कैपिटल याद करेंगे केवल, ठीक है ना। सबसे पहला आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कैनबेरा। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वेलिंगटन। क्वींसलैंड की बात की जाए तो ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की बात की जाए तो मेलबर्न। और न्यू साउथ वेल्स की बात की जाए तो सिडनी।
ये पांच आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, केवल और केवल पांच देश जिसके आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। कंप्लीट पीडीएफ एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, कंटेंट सेक्शन में जाइएगा। आपको जैसे कि मैं पीडीएफ भी टेस्ट की प्रोवाइड कर रहा हूँ चैट वाले ग्रुप में, उसी प्रकार इसको मैं वहाँ अपलोड भी कर दूंगा। तो बात कर ले अभी हम लोग भाई ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले कॉन्टिनेंट में हमने पांच देश देख लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन हो गया? कैनबेरा हो गया। न्यूजीलैंड की क्या हो गया? कैपिटल वेलिंगटन हो गया। क्वींसलैंड के क्या हो गया? ब्रिस्बेन हो गया। विक्टोरिया का क्या हो गया? मेलबर्न हो गया। और न्यू साउथ वेल्स के क्या हो गया? कैपिटल तो सिडनी हो गया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका के पास। साउथ अमेरिका बोले तो चलिए मैप में देख लेते हैं, ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है ना, इसमें भी सात से आठ हम लोग देश याद करेंगे। जैसे कि देखिए, खास करके जो आपने नाम काफ़ी प्रचलित नाम है, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, बोलिविया हो गया, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये उरुग्वे हो गया, ये चिली हो गया, ये पेरू हो गया, ये इक्वाडोर हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको इनके देश के क्या होने चाहिए? कैपिटल याद होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो साउथ अमेरिका से अगर आप देखें तो टोटल आठ नहीं नौ, टोटल नौ हम लोग कैपिटल डिस्कशन करेंगे। देखिए आज आपको 100 कैपिटल याद करवा दिए जाएंगे। ब्राजील की हो जाएगी ब्रासिलिया, पैराग्वे की हो जाएगी एसेंस, अर्जेंटीना की हो जाएगी ब्यूनस आर्स। अब ये देखिए, ये करेंसी आपको याद होना चाहिए अर्जेंटीना, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया गया है अर्जेंटीना की करेंसी क्या होती है? पेसो होती है। नेक्स्ट है उरुग्वे, उरुग्वे के अगर पूछ लिया जाए तो मोंटे वीडियो हो जाएगा। उसके बाद चिल्ली, चिल्ली के बाद बोल सकते हो सेंटियागो हो जाएगी इसकी कैपिटल। पेरू की अगर बात की जाए तो लीमा, और इसकी करेंसी हो जाएगी सोल, बहुत बार पूछा गया है ये। उसके बाद आपको इक्वाडोर, इक्वाडोर का पूछा जाए तो क्विटो हो गया इसकी कैपिटल। कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल हो गया बोगोटा, और वेनेजुएला की कैपिटल हो गई कारकस। ठीक है ना, देखिए अब कैसे इसको हम कुछ कुछ आपको याद भी करा देते हैं जो हम कभी एक टाइम याद किया करते थे। देखिए ब्राजील, ब्रासिलिया कोई दिक्कत नहीं है, ब्राजील में से देखिए आप आराम से याद कर लीजिएगा ब्रासिलिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रागुए एसेंस, ठीक है ये आपको एक याद करना पड़ेगा, प्रागुए वे एसेंस, ठीक है ना एसेंस। अर्जेंटीना, ठीक है ना ट्यूना, अर्जेंटीना यानी कि ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना ब्यूनस आयर्स। अब इसको कैसे मैंने याद किया था, देखिए अर्जेंटीना में टीना है, ये इनकी जो नस थी ना, टीना जो अपनी नस को काट लेती थी, ठीक है किस लिए? तो पैसा उनको नहीं मिलता, तो पैसों उसकी करेंसी थी। उरुग्वे मोंटे वीडियो, ठीक है ना मतलब कि रास्ते में, वे आ रहा ना, वे मतलब रास्ता, रास्ते में ही हम क्या करते थे? वीडियो देखते चलते थे, टाइम की कमी थी इसलिए। चिल्ली, चिल्ली मतलब कि तीता लग रहा, ठीक है इसलिए सेंटी आ गया, सेंटियागो, सेंटी आ गया क्या? पेरू, लीमा, सोल, ये बहुत फेमस है आप सभी को याद होना चाहिए। इक्वाडोर, इक्वाडोर का आपको याद रखना है क्वेटो। कोलंबिया, बोगोटा, ठीक है ना कोलंबिया बोगोटा मतलब कोलंबिया लंबिया यानी कि लंबा हो गया, बोगोटा से बोना, ठीक है ना लंबा से बोन, ठीक है लंबा, और ये बो से बोना हो गया, इस तरह से याद रखिएगा। वेनेजुएला आइसक्रीम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कर्कश लग रहा है आपको, वेनेजुएला आपने खाया था, आपका स्वाद बहुत ही कर्कश हो गया। ठीक है चलिए अब अगले कॉन्टिनेंट में चलेंगे हम लोग, नॉर्थ अमेरिका, यानी कि हम यहाँ पर आ रहे हैं अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका, यानी कि कनाडा वगैरह जो हो गया आपका, मैक्सिको हो गया, इस कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट जो कंट्री है उसकी हम लोग कैपिटल याद करेंगे। ग्रीनलैंड की कैपिटल हो गई नूक, कनाडा की ओटावा, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको को मैक्सिको सिटी, कोस्टरिका का सेंटो जोनस हो गया, उसके बाद आपका पनामा का पनामा सिटी हो गया, जमैका का किंगस्टन हो गया, क्यूबा का हवाना हवाना, और इसका जो करेंसी हो गया पेसो, हैती का आपका पोर्टे प्रिंस हो गया, बर्मुडा का हैमिल्टन हो गया। इतना आपको 10 याद होने चाहिए, मैं भी फिर से कर रहा हूँ, ग्रीनलैंड नूक, कनाडा ओटावा, यूएसए वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिको सिटी, कोस्टरिका का हो जाएगा सेंट जोनस हो गया, पनामा का पनामा सिटी, जमैका का किंगस्टन, क्यूबा का हवाना, हैती का पोर्टे प्रिंस, बर्मुडा का हैमिल्टन। देखिए सारे PYQ मैंने यहाँ रखे हैं, इसके अलावा जो आपके उम्मीद है कि क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो काफ़ी अभी प्रचलित है करंट अफेयर, तो उसको भी हमने रख दिया है। ठीक है ना, तो मोस्टली चांस रखिए कि इस वीडियो से आपका सवाल फंस जाएगा कैपिटल करेंसी का। अब हम लोग चलते हैं यूरोप, यूरोप में आपको एक बार फिर से दिखा दूँ मैप में, ये रहा आपका यूरोप, एक टाइम जो पूरा पावरफुल महाद्वीप हुआ करता था। ठीक है ना, अब तो आप देख रहे हैं जैसे कि अमेरिका और एशिया में थोड़ी सी चीज़ें चल रही है। चलिए बात करेंगे यूरोप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरोप। ठीक है, पुर्तगाल का लिस्बन हो जाएगा, स्पेन का मैड्रिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन बर्लिन, बेल्जियम ब्रसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड एमस्टरडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूके लंदन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्वे ऑस्ले, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, बेलारूस मिस्क। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये कंटिनेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे कैपिटल करेंसी इधर हो गए। नेक्स्ट पोलैंड का वालसा हो गया, यूक्रेन का कीव, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, रूस मास्को, रोमानिया बुखारेस्ट, ठीक है ना बुखारेस्ट, स्विट्जरलैंड बर्न, डेनमार्क कॉपेनहेगन, इटली रोम, आइसलैंड रिक्जाविक। ठीक है,
ये हो गया आपका यूरोप। अब 21 आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप में फिर से कह रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग अफ्रीका के पास। तो चलिए अफ्रीका को मैप में देख ले, तो ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंट्री है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। तो चलिए हम लोग इसको अब कवर करते हैं अफ्रीका को। सबसे पहला जो कंट्री है साउथ सूडान, जिसकी करेंसी कैपिटल है जुबा, नॉर्थ सूडान खार्तूम, इजिप्ट कायरा या काहिरा या कैरो, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछा गया, मैंने तीनों लिख दिया। लीबिया त्रिपोली, कांगो किसानसा, मेडागास्कर, एंटाना वीरो हो गया, ठीक है ना, एंटाना रिबो हो गया। उसके बाद इथोपिया एडिस अबाबा, सोमालिया हो गया मोगादिशु, उसके बाद नाइजीरिया हो गया अबुजा, केनिया नैरोबी वेरी इंपॉर्टेंट, युगांडा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाला, उसके बाद आपका हो गया तंजानिया दादो दोदोमा, ठीक है ना दोदोमा, अल्जीरिया हो गया अल्जीरियस हो गया, मोरक्को रबात, जामेबिया लुसाका, बोत्सवाना गाबोरेन, साउथ अफ्रीका केपटाउन, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये आपका एशिया, जिसमें हम लोग यानी कि भारत, आप सभी को पता है, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन का बीजिंग हो जाएगा, मंगोलिया का उलान बटोर, पाकिस्तान इस्लामाबाद, कजाकिस्तान अस्ताना वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान तेहरान वेरी इंपॉर्टेंट, उज्बेकिस्तान ताशकंद या ताशकंद वेरी इंपॉर्टेंट, तुर्कमेनिस्तान अशखबत हो गया, उसके बाद इराक बगदाद, सऊदी अरब रियाद और ओमान मास्कट, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा जो कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट था हमने करवा दिया भाई। अब PYQ जो पूछे गए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए साउथ कोरिया के अगर पूछे जाए तो सियोल वोन याद रखना इसकी करेंसी, नॉर्थ कोरिया प्योनयांग वोन इसकी करेंसी, देखिए ये सब पूछे गए हैं तो ये इसलिए आपको याद रखना है इसका। इंडोनेशिया का जकार्ता, जिम्बाब्वे का हरारे, थाईलैंड का बैंकॉक, थाई भट याद रखना है इसकी करेंसी, लाओस का हो गया विंतियाने, ठीक है लाओस का करेंसी कैपिटल हो गया विंतियाने, फिलीपींस का कैपिटल हो गया मनीला, पेसो हो गया इसकी करेंसी। नेक्स्ट आपको इधर याद रखना है मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया का याद रखना है क्वालालंपुर और रिंगिट, ये पूछा है इस बार SSC में, ठीक है तो ये है इसकी करेंसी। इसराइल की अगर पूछ ली जाए तो जेरूसलेम, सेकेल हो जाएगी इसकी करेंसी, म्यांमार नैपिडाव हो जाएगा, क्यात हो जाएगा इसकी करेंसी, मालदीव्स यानी कि मेल या माले भी बोला जाता है, मॉरिशियस की कैपिटल हो जाएगी पोर्ट लुइस और रुपी हो गया इसकी करेंसी, कतार यानी कि दोहा इसकी कैपिटल हो जाएगी, भूटान थिम्पू हो जाएगी इसकी कैपिटल करेंसी, हो गए नगुलथ्रम हो जाएगा, नीदरलैंड कैपिटल हो गया एमस्टर्डम, जापान टोक्यो इसकी कैपिटल हो जाएगी, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धना कुट्टे हो गए, उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है, नेपाल काठमांडू, वियतनाम हनोई, अफगानिस्तान काबुल, ठीक है ये सारे कैपिटल और करेंसी जितना हमने करा दिया भाई ये सारे याद रखिएगा आप लोग, 100+ कैपिटल करेंसी आपकी कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा इस आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करिएगा, इस प्रकार से आपके जितने स्टैटिक GK के टॉपिक है एक एक करके अब हम लोग आपके उड़ाते चलेंगे, ठीक है। और सारा ये JSSC CGL का जो कंटेंट है आपका वहाँ पे एप्लीकेशन में, जो टेस्ट सीरीज के पेड स्टूडेंट है, ठीक है ना, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोलमेंट लिए, और केवल टेस्ट सीरीज में नहीं हमारे साइंस के बैच में आपने मतलब इतना अच्छा मतलब कि और आपका रिस्पॉन्स भी जो रहा हो मैंने भी जो तरीके से आपका मेहनत किया भाई, जो कंटेंट दिया मैथ में हो चाहे रीजनिंग में चाहे GK के जो हैंड रिटन कंटेंट्स जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है, और मेरे साइंस के लेक्चर को जो आप लोगों ने, बहुत ही धन्यवाद। बस अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर भी एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बहुत शानदार सारी किताबों की निचोड़ हमने इसमें रख दी है, आपको इसके अलावा फिर कला संस्कृति के सवाल देखने नहीं पड़ेंगे कहीं से भी, ठीक है भाई। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।